कम्युनिकेशन स्किल के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो गाइस जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वेबिनार में एंड तक। हेलो गाइस, दिस इज रक्षवीर भलसोड, जनरल मैनेजर ऑफ किंडल आर्मी प्रोडक्शन, और आज हम बात करेंगे हाउ टू बी ए गुड एट सेल्स। तो गाइस आज के हमारा टॉपिक है नो योर प्रोडक्ट, मतलब अपनी प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज रखे। दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, मतलब सुनने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपके कस्टमर आपको क्या बोल रहे हैं। तीसरा टॉपिक है आइडेंटिफाई एंड स्टिक टू योर बायर्स पर्सोना, मतलब अपने जो बायर्स है उनकी हॉबीज के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे कनेक्ट करके उनको सेल कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है यूज अ मेजरेबल रिपीटेबल सेल्स प्रोसेस, मतलब किसी कस्टमर को आपने कोई प्रोडक्ट एक बार सेल कर दिया है तो उनके साथ दूसरी बार कैसे आप काम करेंगे। तो आज के ये चारों टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नो योर प्रोडक्ट, टेक ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है आप पूरी तरीके से रखिए, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लाइक कि आप कोई कटिंग टोर्च बेच रहे हैं, ठीक है, तो कटिंग टोर्च में क्या क्या यूज होता है, कि वो कितने पाइप की है, उसमें क्या क्या ओरिंग्स है या फिर स्प्रिंग जो वगैरह उसमें यूज होता है, उसकी टोटली आप जानकारी अपने पास रख सकते हैं। उसका क्या होता है कि जब भी आप कस्टमर के साथ बात करेंगे तो उनको आप पूरी तरीके से आप उनको समझा सकेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये तीन पाइप का है सर, तो इसमें ऐसे ऐसे तरीके से जो गैसेस है वो सप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे वाल्व है सर वो भी आप चेंज कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या सर्विस है वो भी आप उनको डिटेल में बता सकते हैं। तो मतलब क्या होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट उनको सेल कर रहे हैं तो उनको आप सर्विस के बारे में भी बता रहे हैं, उसके बेनिफिट भी बता रहे हैं, आफ्टर सेल्स के बारे में भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी आप जानकारी रखते हैं, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट का पूरा आपके पास नॉलेज है, तो आप कस्टमर को प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे कि ये प्रोडक्ट का आप कितना अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको यूज़ करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट है, और उसके अलावा उनके आपको आफ्टर सेल्स भी क्या मिल सकता है। तो गाइस नो योर प्रोडक्ट में आप जाना कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल रखने के बाद कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। सो गाइस हमारा दूसरा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, लिसन टू योर कस्टमर प्रॉपरली। तो गाइस आपको पहले अपने कस्टमर को सुनने की एक हैबिट रखनी पड़ेगी कि कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हैं तो पहले आप अपने कस्टमर को प्रॉपर तरीके से सुने। उसके बेनिफिट क्या है कि कस्टमर आपके साथ जो बात करता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप पूरी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, तो उनको आप उनके हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट है वो आप उनको सेल कर सकते हो। मतलब कस्टमर को जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बोलेगा कि सर मेरे को ये चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें ये पार्ट्स मेरे को अवेलेबल हर टाइम रहता है तो मेरे को वो पार्ट मिलेगा। वो आप पूरी तरीके से सुनेंगे तो क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से उनको बता सकते हैं कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने जैसे बोला कि आपको आफ्टर सेल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है या फिर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स है उनकी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आपको रहती है, ठीक है, तो वो भी आप उनको बता सकते हैं कि सर आपने जो बोला था कि जिस तरीके से का आपको पार्ट चाहिए तो वो भी पार्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो सुनने से क्या होता है कि आप उनको सही तरीके से सुनोगे तो उनका भी एक अलग से इफेक्ट पड़ेगा, उनको आप समझ पाओगे और आप अपनी प्रोडक्ट को सही तरीके से उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने कस्टमर को सुनने के बाद सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल करने में आपको जो कहते हैं कि लिसनिंग करना चाहिए, जो आपके कस्टमर को सुनना चाहिए वो करने से आप सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी एंड स्टिक टू योर बायर पर्सोना। तो गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि पर्सोना का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। पर्सोना लाइक कि आप अपने कस्टमर की लाइक डिसलाइक हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में एनालाइज करने के बाद जो भी बात करें उनको हम पर्सोनास कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी आप प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट को आप अपने कस्टमर को उनकी हॉबीज या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको आप सजेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से आप अपनी टॉर्च सेल कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी कस्टमर है जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है तो उनको आप बोल सकते हो कि सर लाइक आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो तो उसकी बीट है या फिर जो उनकी रिदम है तो उनके हिसाब से ये फ्लेम आपकी जो बनती है, ठीक है, तो उनका सेम जो वॉइस आता है वो आप अपने म्यूजिक के साथ अपने फील कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप उनको बात कर सकते हो कि मतलब अपने जो प्रोडक्ट है उनको अपने कस्टमर के साथ मिक्स करके, उनकी हॉबीज के साथ मिक्स करके आप उनको बेच सकते हो कि कस्टमर की लाइकिंग जो रहती है उस हिसाब से आप उनको
बात कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस अपनी प्रोडक्ट को अपने बायर्स के पर्सोना के साथ हमें कनेक्ट करना है। अपने बायर्स की इंफॉर्मेशन रखिए कि उनकी एज है, उनकी लाइकिंग है, ठीक है, वो सभी आप इंफॉर्मेशन रखेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को अपने बायर्स के पर्सोना के साथ कनेक्ट करके आप अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। सो गाइस हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक है यूज अ मेजरेबल रिपीटेबल सेल्स प्रोसेस। मतलब कि आप अपनी करंट लीड को साथ में रखते हुए नए बिजनेस के रिलेटेड आप अपने कस्टमर के साथ बात करें या फिर अपनी पुरानी जो लीड है उसको यूटिलाइज करने के लिए जो भी कस्टमर के साथ अपनी बातचीत चल रही है उसके साथ आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक उनके साथ अपना फीडबैक है वो यूटिलाइज करते रहिए या फिर अपनी जो स्पीच है वो रिफाइन करके आप उनके साथ बात करते रहिए। लाइक कि जो भी पुराना बिजनेस हमें मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा भी आप अपने नए बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये जो चीज़ है वो बहुत मदद रूप करती है। कि इसके अलावा आप अलग अलग तरीके से भी, मैंने आपको बताया कि अपने फीडबैक को यूटिलाइज कीजिए या फिर अपनी स्पीच को रिफाइन करने के साथ साथ आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कनेक्ट विथ योर वार्मेस्ट लीड, ठीक है, कि आपकी करंट लीड को आप आगे रख के दूसरे जो बिजनेस के रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, ठीक है, वो आप इम्प्रूव कीजिए। सो गाइज आज का हमारा ये वेबिनार यहाँ पे खत्म होता है। इस वेबिनार के रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमारे वेबिनार के कमेंट सेक्शन में लिख के या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करके या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करके हमें बता सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक बाय।